चुनाव 2024 उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी आज नामांकन करेंगे। नामांकन के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। अयोध्या में आज बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन जुलूस रामकथा पार्क से शुरू होगा। जुलूस में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। आजमगढ़ संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव आज भरेंगे अपना नामांकन। इस दौरान पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। आजमगढ़ के मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ने 2019 में बीजेपी के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने दाखिल किया नामांकन। साथ में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई सीट से लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने नामांकन पर्चा भरा। नामांकन के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और लोकसभा स्पीकर और कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला भी साथ रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के खंडवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चुनावी रैली। का पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गरीबी हटाने की बात कही, लेकिन सिर्फ पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। फरुखाबाद के कायमगंज की जनसभा में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी नेता मारिया आलम खान के वोट जिहाद के भाषण को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। उड़नदस्ता मजिस्ट्रेट डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास के आरोप में मारिया आलम और सलमान खुर्शीद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और धारा 295A साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।